जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है हमारी लेटरल फ्लेक्शन के ऊपर, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेटरल फ्लेक्शन क्या होता है और आपको इसको कैसे करेक्ट करना है अपनी बॉलिंग में। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लेटरल फ्लेक्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिस भी बॉलर की बॉलिंग में जब वो बॉल रिलीज़ कर रहा होता है, अगर उस टाइम पर उसका रिलीज पॉइंट उसके लेफ्ट वाले हिप के ऊपर बनता है या फिर और लेफ्ट वाले हिप के और इस साइड बनता है, दैट मीन्स उनकी बॉलिंग में कहीं ना कहीं लेटरल फ्लेक्शन है। लेटरल फ्लेक्शन के कई सारे लेवल्स होते हैं, मतलब कि अगर थोड़ा लेटरल फ्लेक्शन है, लाइक अगर आपका रिलीज पॉइंट जस्ट आपके लेफ्ट वाले हिप के, एज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर, अगर आपका रिलीज पॉइंट आपके लेफ्ट वाले हिप के ऊपर बन रहा है, तो ये एक माइनर लेटरल फ्लेक्शन है और ये बियरेबल है। मतलब इससे आपको लॉस कम होगा और इसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक इनस्विंग बॉल डालने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एक इफेक्टिव इनस्विंग बॉल। लेकिन अगर सेम केस में अगर आपकी बॉलिंग में अगर लेटरल फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि और ज़्यादा आपकी बॉडी जो है बेंड हो जा रही है लेफ्ट साइड में एज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी बैक इंजरीज हो फ्यूचर में। मतलब कि हो सकता है आपको साइड स्ट्रेन्स होंगे या फिर आपकी लोअर बैक स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके करियर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस चीज़ को धीरे धीरे करेक्ट करो। बहुत ज़्यादा लेटरल फ्लेक्शन होने के बॉलिंग में कई सारे कारण होते हैं, लाइक अगर आपका कोर एरिया स्ट्रांग नहीं है, कोर एरिया बहुत ज़्यादा वीक है, आपके एब्डोमिनल कोर में कम स्ट्रेंथ है, साथ ही में हो सकता है आपका पुअर बैकफुट कॉन्टैक्ट है, आपका बैकफुट कॉन्टैक्ट इतना ज़्यादा ख़राब है कि आपकी बॉडी वहीं पर स्टे कर जाती है और उससे जो है आपकी बॉलिंग की पूरी काइनेटिक चेन ख़राब होती है आगे की। या फिर हो सकता है कि आपका हिप शोल्डर सेपरेशन नहीं होता है अगर आप एक साइड ऑन फास्ट बॉलर हो, या फिर ये हो सकता है कि आपके आर्म का सिक्वेंस सही नहीं है, इस कारण जो है आपकी बॉलिंग में लेटरल फ्लेक्शन हो रहा हो। ये सारे कई सारे रीज़न है, इस पर इंडिविजुअली वर्क करना होता है और इस पर इंडिविजुअली वर्क करके जो है लेटरल फ्लेक्शन को करेक्ट किया जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे ड्रिल्स शेयर करूंगा जिससे कि आपको जो लेटरल फ्लेक्शन है बहुत हद तक कम हो जाएगा और आपको जो है आपकी अगर आपको इंजरीज हो रही हैं तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, साथ में अगर कोई फ्यूचर में इंजरी होने वाली है तो उससे आप जो है उसको प्रिवेंट कर पाओगे। तो लेटरल फ्लेक्शन के मैंने आपको जो भी रीजंस बताए, आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इंडिविजुअली उनको सही करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर एथलीट वर्ल्ड के नाम से उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपका बॉलिंग एक्शन देखकर आपको बताऊंगा कि आपको लेटरल फ्लेक्शन जो है आप कैसे सही कर सकते हो आपकी बॉलिंग मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपके बॉलिंग मैकेनिक्स होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं दो ऐसे कॉमन ड्रिल शेयर करूंगा जो सारे टाइप के फास्ट बॉलर कर सकते हैं और उससे अगर उनकी बॉलिंग में लेटरल फ्लेक्शन है उसको वो जो है बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ड्रिल्स पर मूव करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब ये ड्रिल्स अप्लाई करोगे अपनी बॉलिंग में तो उसके बाद जो है आप अपना जेन्युइन फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा इस वीडियो के नीचे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, अब मूव करते हैं हमारी ड्रिल्स की ओर। सो गाइस, पहली ड्रिल में हम क्या करेंगे, पहली ड्रिल में हम यहाँ पर जो है पोल्स का यूज़ करेंगे। फुटबॉल फील्ड में जो कॉर्नर पर जो पोल्स लगे होते हैं उन पोल्स का जो मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो में यूज़ किया है, आप किसी और पोल को भी लगा सकते हो अगर आपके पास है, नहीं तो ये वाले जो पोल्स हैं ये बेस्ट रहेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको चार से छः जो पोल्स हैं एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन में लगा लेना है और उनके थ्रू जो है आपको बॉल डालना है। उनके थ्रू जब आप जाकर बॉल डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है एडजस्टमेंट करेगी। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड फॉल होती है तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करके जो है सीधे सीधे बॉल डालेगी। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है ये ड्रिल उन्हीं के लिए है जिनका लेटरल फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका माइनर सा लेटरल फ्लेक्शन है तो कोई बात नहीं है, आप माइनर लेटरल फ्लेक्शन लेके जो है बॉलिंग कर सकते हो, उससे आपको जो है फ़ायदा ही होगा अपनी बॉलिंग में, क्योंकि आप इनस्विंग इफेक्टिवली डाल पाओगे जैसे कि जसप्रीत बुमराह अपनी बॉलिंग में करते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे टाइप के बॉलर हो जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फॉल करती है लेफ्ट साइड और आपको कई सारी इंजरीज हो चुकी हैं पहले लोअर बैक की, तो ये ड्रिल जो है आपके लिए मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सिंपली इस ड्रिल में इस गेटवे के थ्रू बॉल डालना है, जो गेटवे हमने बनाया है पोल्स के थ्रू, और आपको जो है सिंपली आगे की ओर बॉल डालना है। चार बॉल इस गेटवे के थ्रू आप शॉर्ट रनअप से डालोगे और फिर उसके बाद तुरंत जो है आपको दो बॉल साइड में शॉर्ट रनअप से अगेन डालना है। उस ड्रिल का जो है फील लेकर, मतलब कि आपने जो ड्रिल की है उसका फील पकड़ना है, आपको अपने माइंड को सिखाना है कि ऐसे सीधे रख के बॉडी जो है आपको बॉलिंग करनी है और उस फील को जो है इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करना है विदाउट ये जो पोल्स हैं, क्योंकि मैच में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ये पोल्स वगैरह लगे होंगे। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना कि जो भी आप ड्रिल कर रहे हो उसको आप इमीडिएटली अपनी बॉलिंग में ट्रांसफ़र करो, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, आपको इंस्टेंटली जो है अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट लाना होगा और वो ऐसे ही करके लाओगे आप। जैसे ही आप इस गेटवे के थ्रू बॉल डालोगे चार बॉल, आपका माइंड समझेगा कि अब सीधे होकर हमको बॉल डालना है। माइंड ने सीख लिया एक बार तो वो इंस्टेंटली जो है अब विदाउट इक्विपमेंट भी अप्लाई कर सकता है। इसलिए इंस्टेंटली जो है आपको दो बॉल शॉर्ट रनअप से या फिर फुल रनअप से, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आपको बॉल डालना है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रिल पर, और वो रहेगी आइसोमेट्रिक ड्रिल। ये ड्रिल जो है स्टेफन जोन्स की डिस्कवरीज के थ्रू आई है, जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलिंग कोच हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपने आइसोमेट्रिक पोजीशन में आना है,
डीलोड पोजीशन बोलते हैं जिसको, मतलब कि जब बॉल रिलीज होने वाला होता है आपके हाथ से, इस डीलोड पोजीशन में पहले आपको खड़े हो जाना है, 10 सेकंड तक पहले आपको होल्ड करना है नॉर्मली, जिससे कि आपकी बॉडी को एडेप्टेशन आए कि आपको कैसे खड़े होना है डीलोड पोजीशन में। उसके बाद जो है साइड से कोई पर्ट्यूबेशन देगा, पर्ट्यूबेशन का मतलब है कि आपकी पोजीशन को डिस्टर्ब करना, जिससे कि जो है आपकी बॉडी और ज़्यादा एडेप्टेशन लेती चली जाएगी, एडवांस लेवल पर जाएगी कि आपको जो है इसी पोजीशन में रहना है एट द टाइम ऑफ रिलीज। जब आप ये करोगे 30 सेकंड तक कंटिन्यूअसली, मतलब आपको कोई पर्ट्यूबेशन देगा साइड से, उसके बाद अगेन इंस्टेंटली आपको दो बॉल डालना है फुल रनअप से। ये ड्रिल वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रिल है आपके लेटरल फ्लेक्शन को सही करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आपको सेकंड ड्रिल को जो है परफॉर्म करना है, आपको 30 सेकंड तक कंटिन्यूअसली पर्ट्यूबेशन करना है, उसके बाद दो बॉल फुल रनअप से डालना है। ऐसे करके जो है आप 3 से 4 सेट परफॉर्म कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेशन में। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।